तो दोस्तों अक्सर भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई यार मैं अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड करता हूँ, टाइटल अच्छा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन अच्छा देता हूँ, टैक्स अच्छे देती हूँ, मेरी वीडियो का जो एसईओ बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हमारी वीडियो पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो भाई आज के वीडियो में रीजन बता लो किस रीजन की वजह से आपके जो व्यूज है वो नहीं आते हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर वो क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको जो व्यूज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो कैसी हो लेकिन उस पर जो व्यूज है वो 1000, 2000, 3000, 4000 इस प्रकार से चले जाते हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियो कितनी भी अच्छी बना दूं, यानी कि जो छोटे क्रिएटर होते हैं वो कितनी भी अच्छी वीडियो बना दे, वो कितनी अच्छे तरीके से अपलोड कर दे, लेकिन उनके जो व्यूज है वो नॉर्मल उतने ही आते। तो गाइस क्या रीजन होते हैं, कैसे हमको ये काम करना है, कौन सी ट्रिक लगानी जिसकी वजह से हमारे जो व्यूज है वो इंक्रीज हो जाए। तो गाइस अगर आप भी एक छोटे क्रिएटर, आपके जो व्यूज बिल्कुल भी इंक्रीज होने में नहीं आते, आपको भी लगता कोई ऐसी ट्रिक बता देता कि जिसकी वजह से मेरे जो व्यूज है वो इंक्रीज हो जाते, मेरे जो वीडियो लोग वॉच नहीं करते वो वॉच करने लगते, तो गाइस आज के वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एंड तक देखना। एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे, और इसको ट्राई करेंगे तो 101% आप अपने व्यूज को इंक्रीज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस यहां पर हम वॉल स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे हैं आज के जो विनर बने हैं वो दोस्तों बने वीके राज, इनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या कहीं भी मिल जाए जाकर आपको सपोर्ट करना। साथ ही अगर आप भी मेरे चैनल पर विनर बनना चाहते हैं आई बटन में वीडियो मिल जाएगी जाकर के वॉच कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर होता क्या है कि हम कोई सी वीडियो यहां पर बनाते हैं, मान लीजिए हमने जो वीडियो बनाई है वो दोस्तों बनाई कि हाउ टू एडिट यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो को एडिट कैसे करें, उसमें टाइटल भी अच्छा दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा दे दिया, एसईओ जो है वो 101% अच्छे तरीके से कर दिया, जो सारे लोग करते हैं। तो गाइस यहां पर एसईओ अच्छा तरीके से करते हैं लेकिन वो वीडियो रैंक भी नहीं करती है और लोगों के सामने जाती है तो वो लोग यार यहां पर वॉच भी नहीं करते। तो यहां पर होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो सबसे मेन आपकी वीडियो में देखता है वो दोस्तों देखता है आपका वॉच टाइम, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन जितना अच्छा होगा लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं, और जितना ज्यादा आपकी वीडियो को वॉच करेंगे उतना ही ज्यादा YouTube का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को वायरल करता है। ये तो यार सभी लोगों को पता है और हर एक क्रिएटर बताता है कि अगर आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है अगर वो अच्छा आता है तो वो वीडियो ज्यादा वायरल होने के चांस बन जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर करना क्या होगा जिससे हमारा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो अच्छा आने लगे, और दोस्तों आपने देखा होगा जो बड़े बड़े क्रिएटर है वो कैसे भी वीडियो अपलोड कर देते, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन उस वीडियो को यहाँ पर वायरल कर देता है यूट्यूब। यहाँ पर होता है कि आप एक छोटे क्रिएटर, आपकी जो जान पहचान वो कम लोगों से है, और यहाँ पर होता है कि मान लीजिए जो बड़े यूट्यूबर ने कोई सी वीडियो अपलोड की, अब यहां पर अगर उसके जो व्यूअर्स है वो 50,000 है, 50,000 में से कोई 2 मिनट तक वॉच करेगा वीडियो पर क्लिक करके, कोई 2 मिनट वॉच करेगा, कोई 4 मिनट करेगा, कोई 5 मिनट करेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो को क्लिक किया और हटा दिया, लेकिन आपकी जो वीडियो वो यूट्यूब किसी के आंखों के सामने भेजता है तो वो बंदा क्लिक करता है और हटा देता है, 1-2 सेकंड भी वॉच नहीं करता। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या समझता है कि इस वीडियो में अच्छी नॉलेज नहीं है, ये वीडियो कोई काम की नहीं है, इसको साइड में रख दो। तो यही रीजन हो चुके हैं, जो पहली रीजन है यही है कि दोस्तों आप एक नए क्रिएटर हैं, आप एक नए यूट्यूबर है जिसका अगर आपका फेस कोई बंदा देखता है कि यार इसको तो मैं जानता नहीं हूं तो क्लिक किया और हटा करके रख दिया, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो इतना ज्यादा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो को यहाँ से डाउन कर देता है। तो दोस्तों ये रीजन आपको पता चलेगा कि आप एक नए क्रिएटर हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो को लोग पूरा वॉच नहीं करते और जिसकी वजह से आपका ऑडियंस रिटेंशन कम आता है और आपकी जो वीडियो वहीं पर डाउन हो जाती है। अब यहीं पर बात करें बड़े क्रिएटर की, बड़े यूट्यूबर की, तो उनकी वीडियो कैसे भी हो लोग उनकी वीडियो को क्लिक करके 2-3 मिनट तक वॉच कर लेते, उनका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो अच्छे तरीके से यहां पर इंक्रीज हो जाता है, एरो अप में चला जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिथम उस वीडियो को ज्यादा रीच देता है, वो समझता है कि इसमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो रीजन आपको पता चलेगा कि आपके जो व्यूज वो क्यों नहीं आते हैं और किस जैसे आपके जो व्यूज है वो यहाँ पर डाउन रहते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक लगाएं जिससे हमारे जो वीडियो के जो व्यूज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, लोग अगर हमारी वीडियो पर क्लिक करें तो वीडियो को वॉच कर लें, चाहे 1 मिनट तक ही वॉच करें लेकिन कर लें। तो गाइस यहाँ पर करना क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमको कुछ यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करना होगा। अब आप कहेंगे कि यार सस्पेंस क्रिएट करेंगे कैसे, कोई वीडियो में ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार वीडियो को वॉच कर लो, किसी को पकड़ लिया कि 1 मिनट तक वीडियो को वॉच करके जाओ, तो यार ऐसा नहीं कर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं जिनको अगर हम अपनी वीडियो में लेकर आते हैं तो उसके वजह से लोग यार हमारी वीडियो में रुके रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हम वीडियो को यहाँ पर शूट करते हैं तो शूट में हमको करना कि स्टार्टिंग में
पांच से दस सेकंड बाद आपको कोई सा प्रूफ दिखा देना है या आपको दिखा देना है, मान लीजिए आप वीडियो बना रहे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर बढ़े 50 बढ़े या 100 बढ़े तो उनको आपको स्टार्टिंग में दिखा देना कि भाई लोग देखो मैंने एक दिन में या एक घंटे में इतने सब्सक्राइबर बढ़ाए। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 10 से 5 सेकंड में ये दिखा देना, जिससे उस क्रिएटर का कुछ सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा, उसको लगेगा कि आगे कुछ अच्छी ट्रिक है जिसकी वजह से मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हमको प्रूफ नहीं दिखाने को मिलता है, तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द बोलने होते हैं, कुछ ऐसा बोलना होता है जिसकी वजह से वो रुक जाए, और उन वीडियो में यहाँ पर स्टार्टिंग में जल्दी से करनी होती है। अगर आप एक मिनट के बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसमें अगर आपने प्रूफ नहीं दिखाया, कुछ अच्छे शब्द बोल दिए जिससे वो बंदा आपके पास यहाँ पर रुका रहे, आपकी वीडियो पर रुका रहे, तो वहां पर आपको वीडियो एक मिनट तक नहीं, उससे पहले आपको स्टार्ट कर देने, क्योंकि 20 से 25 या 30 सेकंड तक आपको स्टार्ट कर देनी है, जिससे 30 सेकंड तक वो किसी प्रकार से रुक जाए, उसके बाद में उसको वीडियो देखने लगे, वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने लगे जो वो वीडियो को पूरा वॉच कर ले। तो दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में अपने वीडियो पर व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, अपना जो अपना ऑडियंस रिटेंशन उसको बढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझाना चाहते हैं कि मेरी वीडियो में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको स्टार्टिंग में यही करना होगा। पहले नंबर पर तो आपको कोई सा प्रूफ दिखा देना है, कैसा भी आपको सस्पेंस क्रिएट कर देना। तो दोस्तों यही ट्रिक होती है ऑडियंस रिटेंशन बनाने की स्टार्टिंग में, और अगर आप ये सुधार लेंगे, लोग आपकी वीडियो को 2 से 3 मिनट तक वॉच करने लगे, तो ऑटोमेटिक यार आपकी जो वीडियो यहाँ पर वायरल होने लगेगी, क्योंकि वो लोग आपकी वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो अच्छा आएगा, आपका जो एरो ऑडियंस रिटेंशन का वो अप में जाएगा और वीडियो यहाँ पर चुटकियों में वायरल होने लगेगी। तो गाइस सारा कुछ ए टू जेड आपको पता चले। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों जो मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी, जो भी मैंने आपको समझा वो अच्छी तरीके से हमने समझ लिया होगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो 101% आप अपनी वीडियो के व्यूज इंक्रीज कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता कर देना, साथ ही अगर आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, जल्दी से 20 कराने स्पेशल वीडियो आप ही लाने। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टेक केयर एंड